इसराइल और दहशतगर्द तंजीम हमास के बीच चल रही जंग ने दुनिया के दो बेहद कट्टर शिया और सुन्नी देशों को करीब ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और ईरान की, जहां अमेरिका, यूरोप और यहां तक हमास के समर्थक माने जाने वाले तुर्की जैसे देश भी इसराइल के समर्थन में संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश एक एक करके अब फिलिस्तीन की ओर जाते दिख रहे हैं। ऐसे में दो परंपरागत दुश्मन ईरान और सऊदी अरब इस मामले में एक साथ आ गए हैं। गौरतलब है कि ईरान शिया बहुल देश है और सऊदी अरब में इस्लाम के दो प्रमुख केंद्र मक्का और मदीना है। साथ ही वो खुद को दुनिया भर के सुन्नी इस्लाम जगत के रहनुमा के तौर पर भी पेश करता है। ईरान और सऊदी की अदावत भी काफी पुरानी है। खबर है कि चीन में इसी साल मार्च में दोनों की सुलह हुई और दोनों शिया सुन्नी देश करीब आए। इस बीच इसराइल और हमास की जंग के बीच दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने फोन पर बातचीत की है। ईरान तो अमेरिका और इसराइल से दुश्मनी बरसों से निभा रहा है, वहीं सऊदी अरब के अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब के बीच भी बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब हमास और इसराइल की ताज़ा जंग हुई तो ईरान और सऊदी अरब करीब आ गए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बुधवार को एक ऐतिहासिक टेलीफोन कॉल पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हुए हमले पर चर्चा की, साथ ही उन्होंने हमले के बाद फिलिस्तीन के आसपास तनाव को कम करने के तरीकों पर विस्तार से बात की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसे समय में ईरान के नेता से चर्चा की है जब ईरान पर हमास की हर संभव मदद करने से लेकर उसके लड़ाकों को ट्रेन करने तक का इल्जाम लग रहा है। ये अलग बात है कि ईरान ने अपने पर लगे सभी इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया है। खबर है कि सऊदी प्रिंस और ईरानी राष्ट्रपति के बीच फोन पर लगभग 45 मिनट बात हुई। खबर ये भी है कि चीन इन दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में उसने ही दोनों देशों के दरमियान कुछ समझौते भी करवाए थे। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा मौजूदा इजरायली हमास संघर्ष था। दोनों के बीच हुई ये फोन कॉल लंबे समय से चले आ रहे संकट को दूर करने के कूटनीतिक प्रयासों में एक जरूरी कदम के तौर पर देखी जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि की है। उसके मुताबिक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कॉल किया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस कॉल में संघर्ष के समाधान के लिए सऊदी अरब की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया है। गाजा पट्टी क्षेत्र में बिगड़ती स्थितियों ने यहां रह रहे लोगों को लेकर दोनों देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं 7 साल की दुश्मनी के बाद सऊदी अरब और ईरान इस मुद्दे पर साथ दिख रहे हैं। दोनों देशों की खुली और खतरनाक दुश्मनी ने न केवल खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया था, बल्कि यमन से सीरिया तक पूरे मध्य पूर्व में संघर्षों में भी इजाफा कर रखा है। इस्लाम के अलग अलग पंथ को मानने वाले दोनों मुस्लिम देशों में धर्म को लेकर विवाद होता आया है। साल 2016 की शुरुआत में भी धर्म को लेकर विवाद के कारण ही दोनों इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे से राजनयिक ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। दरअसल सऊदी अरब ने एक प्रमुख शिया रहनुमा अल निम्र समेत 86 लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए फांसी पर चढ़ा दिया था। इस बात का ईरान ने पुरजोर विरोध किया था, यहां तक कि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी एम्बेसी पर हमला कर दिया था। इसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। 7 साल बाद चीन की मध्यस्थता से दोनों मुल्क फिर करीब आए और ईरान ने रियाद में अपना सिफारतखाना दोबारा शुरू किया।